नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीमेल आईडी में अगर कि कोई नंबर सेव किया है, किसी कॉन्टेक्ट नंबर को सेव किया है आपने या बहुत सारे नंबर सेव किए हैं, कैसे जीमेल आईडी से अपना कॉन्टेक्ट नंबर निकालेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप जीमेल में सेव किए हुए नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। सो गाइज, अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए आए तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप भी जीमेल से अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकालना चाहते हैं, अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल में सेव किया है उसे निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे देखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जीमेल अपना अकाउंट जीमेल ओपन कर लेते हैं। सभी के मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोनों में आजकल जीमेल है। जीमेल के बिना आपका फ़ोन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ही जीमेल आईडी अनिवार्य है, मतलब कि होनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं। जब आप जीमेल ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर आपके मैसेज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च इन मेल, मेल के बगल में थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, थ्री डॉट्स के बगल में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर के नीचे कॉन्टैक्ट्स के नंबर, कॉन्टैक्ट नाम का एक बना हुआ है फोल्डर सा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। उसके बाद आपको ये कॉन्टैक्ट्स वाला जो नंबर है, इसमें जितने भी जीमेल के नंबर आपने जीमेल में नंबर सेव किए होंगे सभी इस ऐप के अंदर आ जाएंगे। ये गूगल का ही है और ये 1 बिलियन+ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। ज़्यादा बड़ी जो है ये ऐप नहीं है, 5.9 MB की है। तो इसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है और आप भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली सा आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये कुछ आपसे अलाउ के ऑप्शन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। फिर अलाउ। गाइस, आपको ध्यान रखना है, जिस जीमेल आईडी में आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए थे वही नंबर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जीमेल आईडी से अपनी लॉगिन कर लिए हैं, जहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं 383 कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरे जीमेल आईडी में स्टोर हैं। मतलब कि मैंने अपने जीमेल आईडी में यहाँ पर 383 नंबर स्टोर करके रखे हुए हैं। ये सब नंबर आप देख सकते हैं, मैंने सभी नंबर जो है इसमें सेव करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है जीमेल में जो भी नंबर आप सेव करते हैं बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक बात खास करके ध्यान रखना है, जिस जीमेल आईडी में आपने नंबर सेव किया था उसी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग भी जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, मतलब कि कई कोई दो करता है, कोई तीन करता है। तो जिस जीमेल आईडी में आपने सेव किया उसी से जीमेल में लॉगिन होकर आप अपने नंबर जो है इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।